हे गाइस माय नेम इज डॉक्टर शुभा मुळे एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा सो गाइस आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट अभ्यास ऐप की पेपर नंबर 14 का बायोलॉजी सेक्शन जी हां हम अभी लाइव सॉल्व करने वाले हैं दैट इज टेस्ट नंबर 14th ऑफ एनटीए नीट अभ्यास ऐप तो चलिए शुरू करते हैं सो so, ये नॉर्मल से फीचर और ये मेरा सबसे फेवरेट फीचर एरोप्लेन मोड पे हम अभी जाएंगे और ये चल हो रहे हमारे टेस्ट सो so गाइज मैंने बाकी के टेस्ट भी लाइव सॉल्व किए हैं वो भी आप देख सकते हैं उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी हुई है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बायोलॉजी फिजिक्स तो हम नहीं सॉल्व करेंगे सो हमारा पहला क्वेश्चन दैट इज इन अ मेज पॉलीनेशन इज एनिमल दैट इज मीन बाय विंड और विंडलीर्स दैट इज मीन बाय बर्ड्स मेलाकोफिलर्स डैट इज इन बाइ सनेल एंड देन एंटेमोफिलर्स डैट इज मीन बाय ants सो so गाइज आपने कभी मेज देखा है मेज एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है गाइज और बेसिक सी बात है जब जब प्लांट का स्ट्रक्चर अगर सिंपल होता है जिसमें ना ही कोई अट्रेक्टिव फ्लावर हो ना कुछ हो ठीक है ना ही कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स हो अडेप्ट किए हो इंसेक्ट को अडेप्ट करने के लिए ठीक है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिक मेज का जो स्ट्रक्चर होता है एकदम नॉर्मल होता है ठीक है और ऐसे जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली पॉलिनेट करते हैं थ्रू द विंड जी सो दैट्स हाथ इन मेज जो है पॉलिनेशन ऑकर्स होता है थ्रू द विंड ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज यूज कैन ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग ए ओके सो क्वाइटस विद्रॉल डायफ्राम कॉन्डम्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है जो एस्टडी को प्रिवेंट करता है सो so, बहुत ही सिंपल सवाल है बहुत ही स्ट्रेट होर्ड सवाल है दैट इज कॉन्डम जो है वो मोस्टली हेल्प करते हैं इट एक्ट लाइक अ बैरियर और उसी के वजह से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है ठीक है मेल आ, मेल का आ, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का और उसी के वजह से जो है आ, जो फ्लूड होता है जो ट्रांसफर नहीं होता है मेल से फीमेल में और इसी के वजह से फ्लूड

सो so ट्रांसक्रिप्शन uh, जो होता है वो ओनली एक ही डायरेक्शन में होता है जो कि दैट इज थ्री डैश टू फाइव डैश और उसी को हम कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड ठीक है और दूसरा जो होता है स्टैंड उसकी पोलिटी फाइव डैश टू थ्री डैश होती है उसे हम क्या कहते हैं कोडिंग स्ट्रेंड इसलिए इसका ऑप्शन क्या आता है ए ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच फंगा फंगाइटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बैक्टीरिया इंडोडर्मिस लिपोपोलीसे सो so गाइज यहाँ पे देखा जाए तो रॉन्गली मैच जो है वो मोस्टली होता है बैक्टीरिया ठीक है बैक्टीरिया का जो हम अगर वॉल देखें ठीक है सेल देखे देखें तो ये किससे बना होता है मोस्टली इट इज कंसिस्ट ऑफ द बाहर का कवरिंग है वो बना होता है ग्लाइको कैलेक्स से ठीक है और फिर जो है अंदर उसके बाद क्या होता है सिल वॉल होती है ठीक है ग्लाइको कैलेक्स वहां पर होना चाहिए था इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी द प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल ओके सो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है गाइज अगर हम प्लांट के सेल में से सेल वॉल निकाल दें जो बाकी जो स्ट्रक्चर बच जाता है उसे हम कहते हैं प्रोटो प्लास्ट ठीक है सो इट इज विदाउट सेल वॉल विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द दस सो गाइस कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स यहां पर हमें ऑप्शन क्या कह दिया गया द इनिबीटर ड नॉट रिजेंबल विद द विद्टेट फॉर द एलोस्टेरिक साइड इनहिबिशन ऑफ सक्सनाइट हाइड्रोजेस बाय मैलोनेट विच इज क्लोजली रिजेंबल सब्ड

हमें पूछा गया करेक्ट अबाउट सेंटेंस तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन जो है मोस्टली जो है बहुत कंफ्यूज है लेकिन बहुत ही एक माइनर डिफरेंस है जहां आपको देखने मिलेगा द इनहेबिशन ऑफ सक्सेनाइक हाइड्रोजीनिस यहाँ पे दिया गया है तो परफेक्ट एग्जांपल इसका होता है इनहेबिशन ऑफ सक्सेनाइक या डीहाइड्रोजिनियस बाय मैलोनेट विच इज क्लोजली रिजेंबल द सबस्टेट सक्सेनेट इन अ स्ट्रक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट ओके okay? और इसीलिए इसका ऑप्शन आता है ये जो मेकेनिज्म है ये यूज किया जाता है टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन बैक्टीरियल पैथोजन के लिए जो है ये मोस्टली जो है यूज किया जाता है द डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोडियस नॉट ऑनलीफेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स बट ऑल्सो द वाइटल फंशन सच एस फोटो एंड माइक्रोकॉन्ट्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो अमॉन्ग द लिस्ट गिवन बिलो विच ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट शैल अफेक्ट मोस्ट बोथ फोटोसिंथेटिक एंड माइक्रोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हो ए बी सी डी ऑप्शन तो यहाँ पे आप देखोगे तो डी ऑप्शन जो है इसका मोस्टली आंसर आता है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए सो कॉपर जो है मोस्टली जो है मोस्टली uh, यहाँ पे जो है इंजाइम्स के लिए हेल्प करता है ठीक है और फिर यहाँ पे फेरस जो है मोस्टली जो इंजाइम्स होते हैं कैटेले होते, है, catalys, होते, है, catalys, होते है, जैसे कि कैटलिस पैरोडोजिस साइटोक्रोम्स इसके लिए जो हैल्प करता है और मैंगनीज जो है मोस्टली फोटोसिंथेटिक के लिए मोस्टली फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए यूज होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में यूज होता है ठीक है तो यहाँ पे जो है तीनों जो है बहुत ही यूजफुल है तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी अ थीन मस्कुलर वॉल ओल्ड डिप्रेशन इन अ हार्ट सीन सो so, यहाँ पे ओवल डिप्रेशन जो होता है मोस्टली वो एम्ब्रियो में देखा जाता है ठीक है और वो किस में होता है इंटर आर्टेरियल सेप्टम में होता है ठीक है जब एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो में क्या देखा गया एक पोर देखा जाता है ठीक है स्मॉल पोर जैसा पार्ट होता है कि जिसके थ्रू राइट ऑर्ट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू क्या होता है ब्लड जो है ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा बाद में एम्ब्रियो जो है डेवलप डेवलप होता है तेज क्या होता है कि ये जो है जो जो है है वो वो उसे हम हम क्या कहते है, वो जो है, उसे हम कहते हैं हैं ओपनिंग फोसा ओवलिस ठीक है जो कि ह्यूमन अडल्ट हार्ट में हमें देखने को मिलता है देन कोलोराइड रूट्स ऑफ हाँड रूट्स ऑफ साइकस आर यूजफुल इन सो गाइज क्लोराइड रूट्स ऑफ साइक्लो साइकस आर यूजफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन जी हाँ क्योंकि इसमें क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलते हैं हमें मिल एजलिक एनेबाइना नॉस्टॉक ठीक है जिसे हम सियानो बैक्टीरिया कहते हैं टू बी इवोल्यूशन ऑफ अ सक्सेसफुल अ म्यूटेशन मस्ट अकर इन सो so गाइज अगर इवोल्यूशन को हमें सक्सेसफुल कराना है तो इवोल्यूशन होना चाहिए इन जर्म प्लाजम डीएनए ठीक है जर्म प्लाजम डीएनए में जो है इवोल्यूशन होना चाहिए और उसी के वजह क्योंकि जर्म प्लाजम डीएनए जो होता है वो क्या होता है हेरिटेबल होता है एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाता है ठीक है और इसी के थ्रू जो है नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो एक्टिव होती है ठीक है तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच प्यर फ्रॉम द फॉलोइंग सो गाइज यहाँ पे गलत कौन सी दिए गए हैं हमें है, पूछा है तो सेरीकल्चर सिल्क वर्म ठीक है सही है एक्वाकल्चर फिश ये भी सही है देन एपीकल्चर हनी बी पीसी कल्चर बॉम्बैक्स मोरी सो गाइज डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट है क्योंकि बॉम्बेक्स मोरी को हम जो होता है प्रोडक्शन रॉ सिल्क का प्रोडक्शन होता है ठीक है सिल्क का प्रोडक्शन होता है जैसे हम कहते हैं सेरीकल्चर ठीक है सेरी फिश जो फिसी कल्चर जो होता है वो पीसे, पीसेस के लिए होता है फिशेस के लिए होता है ठीक है ब्रीडिंग ऑफ फिश जो है हम कंट्रोल करते हैं इन पीसीकल्चर येलोइंग ऑफ टी लीफ इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपको बहुत ही कंफ्यूजन लगते हैं दैट इज क्लोरिन एंड सल्फर सो गाइज ये जो येलोइंग ऑफ लीफ है वो उसको हम कहते हैं क्लोरोसिस ठीक है और इससे क्या होता है कि क्लोरोफिल कंटेंट जो है प्लांट में का जो है गोस्लि कम हो जाता है और ये जो सिम्टम्स है मोस्टली क्यों होते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स लाइक सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर फेरस मैग्नीज़ जिंक एंड मोलिडियम ठीक है और उसे हम कहते हैं टी येलो डिसीज जो कि क्यों होता है डिफिशियंसी ऑफ सल्फर इन मियोसिस डिवीजन इज सोज मियोसिस में पहला जो डिवीजन होता है ठीक है जिसमें क्या होता है कि जो डिप्लाइड सेल होती है वो हापलाइड में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है जो हेमोलॉगस क्रोमोजोम से वो टू हो सेपरेट होमोलॉगस कन्वर्जन में कंप्लीट हो जाती है ठीक है एक हेमोलॉगस क्रोमोजोम तो उसे हम कहते हैं क्या पहला जो होता है वो क्या होता है रिडक्शनल होता है ठीक है और दूसरे में क्या हो जाता है जो होमोलॉगस ठीक है क्रोमोजोम जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं सिस्टर में सिर्फ डिवाइड हो जाते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है वो दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है दैट इज इक्वेशनल मतलब क्या पहले पहले डिजन में टू एन से यन आता है और फिर ये यन से क्या होता है फिर से यन बनते हैं ठीक है फोर डॉटर सेल्स बनते हैं पहले पहले से एक से दो बनते हैं वो दोनों कैसे होते हैं होते हैं और हैप्लाइड को हाप्लाग, फिर से सेकेंड डिवीजन में रहा जाता है इसलिए उसे क्या कहते हैं हम इक्वेशनल इसका ऑप्शन फर्स्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर द इनर मेम्ब्रेन चार्ज ऑफ अ न्यूरिलेमा विल बी सो गाइस जब भी यहाँ पे uh, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तब क्या होता है कि सोडियम का जो है इन्फ्लक्स होता है ठीक है मतलब नॉर्मली पहले क्या होता है बाहर पॉजिटिव होता है मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है नेगेटिव होता है ठीक है जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो सोडियम आयन जो है बाहर से अंदर आ जाते हैं तो मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर फॉर्म होता है और बाहर निगेटिव चार्ज होता है और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये क्या होता है रिवर्स हो जाता है फिर से क्या होता है अंदर uh, जो है निगेटिव uh, हो जाता है और बाहर जो है पॉजिटिव बन जाता है तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है फर्स्ट निगेटिव देन पॉजिटिव देन अगेन बैक टू निगेटिव डी ऑप्शन देन द प्रोडक्ट फॉर्म बाय

33% जो है एरिया होना चाहिए लैंड एरिया होना चाहिए ठीक है फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए ठीक है टोटल फॉरेस्ट लैंड एरिया होना चाहिए तो इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजन लगेंगे आपको दैट इज बी ऑप्शन ठीक है और सी ऑप्शन सो होना कितना चाहिए मेंटेनिंग मिनिमम कितना करना चाहिए दैट इज थर्टी लेकिन अगर हम

ग्रोइंग इन अ शेडी रीजन आर कॉल्ड अल्डस्ट सो गाइज प्लांट जो शेडी रीजन में आते हैं शाडो में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं सीओ फाइट्स कहते हैं ठीक है ठीके? जो ड्रॉट uh, कंडीशंस में आते हैं ठीक है ठीके? जो डेजर्ट में आते हैं उसे हम जीरो फाइट्स कहते हैं ठीक है ठीके? जो दूसरे प्लांट्स में आते हैं जिसके जो रूट्स होते हैं वो एयर में होते हैं उसे क्या कहते हैं ईवी फाइट्स कहते हैं और जो मराइन एरिया में आते हैं ठीक है सलाइन वाटर में आता है ठीक है so सो उसे हम क्या कहते हैं हेलो हेलोफाइट्स ठीक है सो इसका ऑप्शन आता है ए ऑप्शन

सो गाइज मोस्ट यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट अंडर मोनेरा एंड प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक इन अ मोनेरा यूनिसेलुलर आर इन अ प्रोटिस्टा तो ऑप्शन ए सेला टर्सिका इज सेला टर्सिका होता है इट्स अ डिप्रेशन इन अ स्कल विच लॉजेज द पिटरी बॉडी ठीक है पिटरी ग्लैंड जो है उसमें मोस्टली पाई जाती है इसे हम टर्किश सैडल भी कहते हैं गाइज़

ंग जर्म प्लाज्म इन फ्रोजन स्टेट इज कॉल्ड एज क्रायोप्रिजर्वेशन बहुत ही सिंपल है ठीक है जर्म प्लाज्म जो है मोस्टली माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री में जो है फ्रोजन uh, स्टेट में रखा जाता है और उसे हम एक सीट कंजर्वेशन का एक टेक्निक भी कहते हैं तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है क्रायोप्रिजर्वेशन फर्स्ट डाय कार्बोजलिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग दी सर साइकिल इज सो गाइज फर्स्ट डायकार्बोलिक डायकार्बोक्लिक एसिड जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग पी साइकिल वो होता है आपका पाँच कार्बन वाला दैट इज अल्फा किटोगलूटरिक एसिड ठीक है क्रेप साइकिल में का सवाल है अगर आपको क्रेप साइकिल याद रखने में मुश्किल हो रही है तो उसकी सिंपल ट्रिक्स मैंने बना के रखी है इसकी लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स में आप देख सकते हो ठीक है ऊपर भी अभी पॉपअप हुई होगी तो आप जरूर देखिएगा लेक्चर होने के बाद आप पूरी क्रेप साइकिल बहुत अच्छे से याद रख पाओगे देन विडाल टेस्ट इज यूज फॉर ससेप्टेबिलिटी ऑफ सो एज विडालेस्ट जो है वो मोस्टली यूज किए जाती है इन अ डायग्नोस्टिक मेथड जो है मोस्टली यूज की जाती है इन अ टाइफॉइड ठीक है टाइफॉइड और उसे हम एंटेनिक फीवर भी कहते हैं उसके डिडक्शन में जो है ये यूज की जाती है एज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है एज अज की जाती है क्योंकि इसमें जो होता है टाइफॉइड की वजह से होता है सैलामानोला टाइफिक होता है ओ एन एच एंटीजन जो है पाए जाते हैं और इसके Uh, जब यह बॉडी में इंटर करता है तो इसके खिलाफ जो बॉडी में एंटीबॉडीज प्रिपेयर होती है उसे डिटेक्ट करने का काम जो है यह विडाल टेस्ट करता है फ्लोरल फीचर्स आर चीफली यूज इन एंजियोस्पर्म्स आइडेंटिफिकेशन बिकॉज सो so बिकॉज यहाँ पे आप ऑप्शन देखो तो इसका ऑप्शन आता है सी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर स्टेबल ठीक है एंड देन एंड कंजर्वेटिव देन विजिटेव पार्ट्स ठीक है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं ठीक है वो मोस्टली स्टेबल होते हैं उनका जो फॉर्म होता है वो फिक्स रहता है लेकिन विजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो जैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन उसे अफेक्ट करती है उसी के हिसाब से वो क्या होता है ग्रो होता है तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी विच ऑफ द फॉलोइंग कम्पाउंड इज यूज इन विजुअलाइशन ऑफ डी एन ए फ्रेगमेंट इन जेल इलेक्ट्रो फोरसिस सो गाइज इसमें यूज किया जाता है इथीडियम ब्रोमाइड ठीक है जेल इलेक्ट्रोसिस में जेल इलेक्ट्रो फोरोसिस में मोस्टली यूज किया जाता है दैट इज इथीडियम ब्रोमाइड ठीक है फॉलोड बाई एक्सपोजर टू यू रेडिएशन जो है ये मोस्टली यूज किया जाता है और उसी की वजह से जो है डी एन ए जो है स्टेन हो जाता है और हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं The type of cell junctions that helps in a preventing leakage of substances is called that. It's called as tight junction. ठीक है, cell में जो है mostly तीन type के junction पाए जाते हैं, guys. Gap junction, tight junction. ठीक है, गाई, गाई, जंग्षन, जंग्षन, तो gap junction मतलब क्या जो allow करता है movement. ठीक है, cell एक cell से दूसरे cell uh, में उसे हम gap junction कहते हैं. ठीक है, थीके? tight junction क्या करते हैं? ऐसे prevent करने का काम करता है. ठीक है, और और एक होता है एडहेरिंग जंक्शन्स ठीक है वो क्या करता है दो सेल को साथ में रखने का काम करता है देन बैसिलस थुरिंजिनेसिस स्ट्रेन दैट हैव बीन यूज्ड इन डिजाइनिंग नोवेल दैट इज बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स ठीक है बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स के लिए ये जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस की स्ट्रेन जो है यूज की जाती है टू प्रिपेयर ए क्राय प्रोटींस फॉलोइंग so में जो है मोस्टली है ठीक है ये जो क्या है एक फ्रेश वाटर प्लांट है, है. बाकी किसी वाटर में ये पाया नहीं जाता है. इसलिए पोल्यूटेड वाटर में जो है इसकी मात्रा बहुत कम मिलती है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम्स आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर लेबल्ड एस पी क्यू आर एस सो गाइज यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑप्शन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहां पे देखिएगा एस जो है मोस्टली हमें मालूम है वो क्या है एस जो है हमें मालूम है वो क्या है दैट इज कैप्सूल है ठीक है तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है कट हो जाते हैं दैट इज ए एंड सी ऑप्शन जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं फिर आपको देखना है कि क्यू क्या है क्यू क्या है क्यू इज जिम्मा कप ठीक है सो क्यू जिमा कप किस में दिया गया है सो ए एंड डी क्यू जिम जिमा कप ए एंड डी दोनों में दिया गया है ओके ठीक है फिर यहां पे आप देखोगे ए so, जो है मोस्टली जो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है अचीगोनियो फोर होता है ठीक है और जो ऐसा स्क्वीज फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होता है जीक है उसे वो क्या होता है एंथ्रेडियो फोर होता है ये आप ध्यान में रखो जो फ्लावर जैसे उसे दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर वो हमेशा क्या होता है अचीगोनियो फोर ठीक है इन इज सो दाइज मोस्टली डाइकोट स्टेम में जाइलम के जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो चार टाइप के पाए जाते हैं दैट इज एग्जार्च एंडार्च सेंट्रार्च एंड मिजार्स लेकिन मोस्टली जो डाइकॉट स्टेम में जो है जाइलम कैसा होता है मोस्टली होता है एंडार्स ठीक है सबसे पहले एंडार्स मतलब क्या जो प्रोटोजाइलम सबसे पहले फॉर्म होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ से चालू होती है ठीक है इनर मोस्ट पार्ट से चालू होते हैं ठीक है टर्ड दीथ पीथ के यहां से चालू होती है और फिर वो बाहर आता है ठीक है उसकी प्रोग्रेस जैसे बढ़ती जाती है वैसे वो बाहर की तरफ आते रहता है इसलिए क्या कहा जाता है इंडार्च अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द साइज ऑफ पर्टिकुलर मैटर इन माइक्रोमीटर दैट कैन कॉज हार्माइज अकॉर्डिंग टू सी पी सी बी ये साइज होती है अराउंड टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर्स और लेस ठीक है उससे हमें जो है मोस्टली बहुत सारे जो है डिसीज होने की संभावना होती है मोस्टली रिस्परेटरी मोस्टली रिस्परेटे डिसीजे होते हैं इसी के पर्टिकुलर मैटर से जो है होते हैं जिससे इरिटेशन इन्फ्लामेशन होता है ठीक है लंग्स डैमेज हो जाते हैं ठीक है थीके? तो इसलिए ये दिया गया है द माइक्रोबियल सोर्स ऑफ सिल्ट्रिक एसिडीज ये तो देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो होता है दैट इज एस्परजेलस नाइगर ठीक है एस्परजेलस नाइगर है फंगा है उससे जो है सिट्रिक एसिड जो है मोस्टली प्रिपेयर किया जाता है वी दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स सो गाइस यहां पे दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हो दैट इज आर्थराइटिस एंड गाउट सो गाइस अर्थराइटिस मतलब क्या इट्स इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ठीक है और गाउट मतलब क्या इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अक्यूमलेन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स ठीक है ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी द पोर्शन ऑफ एम्ब्रॉनल एक्सिस अबोव द लेवल ऑफ कॉटोनिज सो गाइज अबोव द लेवल जी के जो थिंग हमेशा अबव होती है उसे हम क्या कहते हैं ईपी ठीक है और जो नीचे होती है उसे हम क्या कहते हैं हाइपो ये आपको ध्यान में रखना है और इसका आंसर आपको आ जाएगा अब वो एब्रोल एक्सिस मतलब क्या कोटाइल के ऊपर ठीक है कोटिलिडन के ऊपर का मतलब क्या ईपी कोटाइल जिससे क्या होता है बाद में जो है प्लूमिल फॉर्मेशन जो होता है Which one of the following pairs of hormones are the examples of that can easily pass through a cell membrane of a target cell and bind to receptor site inside it? सो so गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे दो ही ऐसे हार्मोन है दैट इज एंड टेस्टोस्टेरोन जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है ठीक है स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं लिपिड सोल्यूबल होते हैं एंड दे कैन इजिली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन ओके जो टारगेट सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन से आराम से पास हो जाते हैं और ये आराम से अपने स्पेसिफिक इंटरसिलर रिसेप्टर्स से है उससे जो है मोस्टली क्या होते हैं जुड़ जाते हैं तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है डी ऑप्शन

ठीक है रूबिसको भी होता है और पेप कार्बोक्ज भी होता है देन कार्बोक्जिलेशन ऑफ आर यूवीपी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पीजे एंड फॉस्पोग्लाइको लेट ठीक है ये भी जो है गलत बात है देन कार्बोक्जिलेशन ऑफ फॉस्पोफिनोल वायरुट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्ज एसिड इन अ सी फोर प्लांट्स जी हाँ इसका आंसर आता है ये करेक्ट है बिल्कुल ठीक है पी ए पी एज कन्वर्टेड इंटू ऑक् एसिडिक ऑक्जेलिक एसिड इन अ अर प्लांट्स देन विच ऑन ऑफ द फोइंग पेयर स्ट्रक्चर्स आर करेक्टली मैच विद दियर डिस्क्रिप्शन टीबी एंड फ्यूबिला बोथ फॉर्म द पार्ट ऑफ एसिडेबुलम कैविटी जी नहीं बिल्कुल नहीं कार्टिलेजन कॉर्निया ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस नीड एंड इज सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स सोकाइज कॉर्निया को सप्लाई नहीं होता है मोस्टली ठीक है देन यहाँ पे आप देखोगे तो शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट साइनोअल टाइप ऑफ जॉइंट जी ज्वाइंट ये दोनों जो है टाइप ऑफ जॉइंट है मोस्टली क्योंकि क्या इसमें जो एक में कैविटी होती है दैट इज फिल्ड कैविटी ठीक है जिसमें फ्लूड होता है और ये शोल्डर में और एल्बो में पाया जाता है फर्टिलाइजेशन डिपिक्टेड बाय डिपिक्टेड बाय द कंडीशन ठीक है तो गाइस फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है दो हेपलइड फ्यूज हो जाते हैं और उससे क्या फॉर्म होता है जाइगोट ठीक है इसलिए इसका आंसर आता है क्या द गिवन फिगर विच ऑफ द मार्क ऑक्सली ऑक्सीटेड ब्लड कौन कौन कैरी करता है गाइस एक तो पल्मोनरी वेन देन सिस्टमिक एरोटा एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे एरोटा ar का दिया गया है एक नंबर और लेफ्ट वेंट्रिकल को चार सो वन एंड फोर इसका आंसर आता है The vector must have one unique recognition site to enable foreign DNA to be inserted into the vector during the generation of RDNA molecule. Okay, so most of the commonly used vectors contain unique recognition sites for the several restriction enzyme in a small region of DNA, which is referred as polylinker or multiple cloning site. And because or firvo have multiple cloning site, it provides what? सो गाइज मोस्टली जो है मल्टीपल कोनिंग साइट्स है उसे ही हम पॉलीलिंकर कहते हैं ठीक है थीके? ये क्या होते हैं एक शार्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं जिसमें जो अप टू दो है ट्वेंटी uh, जो है न्यूक्लियोटाइड्स मोस्टली जो है पाए जाते हैं ठीक है थीके? और ये क्या करते हैं इसमें जो है मोस्टली रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है ठीक है और ये क्या करते हैं फिर मोस्टली फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं इन अ चॉइस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन्जैम ठीक है Uh, ये क्योंकि बहुत सारे साइट्स जो है प्रेजेंट है इसमें तो इसलिए क्या करते फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते है जिसके थ्रू हम जो है डिफरेंट रिजल्ट जो है हम इसके मदद से जो है क्रिएट जो है कर पाते हैं फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन साइट्स सो गायस मियोसाइट्स का मीसाइट्स क्या होती है मियोसाइट्स आर द टाइप ऑफ सेल दैट डिफ्रेंशिएट इनटू गैमेट ओके मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है ये जो सेल है मोस्टली गैमेट में जो है डिफरेंशिएट uh, हो जाती है ठीक है सो so, मोस्टली ये मियोसिस से होता है ठीक है डिप्लॉयड मियोसाइट जो है डिप्लॉयड होती है ये और ये एप्लोइड गैमेट में जो है कन्वर्ट हो जाती है सो फ्रूट फ्लाई में एट जो है इसका नंबर जो है सही दिया गया है एप्पल में थर्टी सिक्स ये जो है यहाँ पे जो है गलत दिया गया है ठीक है नंबर so, जो वो होता है, है ठीक और वो की थर्टी फोर होना चाहिए ठीक है ऑप्शन आता है ऑप्शन बी द परमिसेबल यूज ऑफ टेक्निक अमाइनोसेंटेसिस इज फॉर सो क्या इसके लिए यूज करते हैं हम डिटेक्टिंग द जेनेटिक एबनॉमिलिटी ठीक है अमाइनोसेंटेस मतलब क्या द विड्रॉल ऑफ सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूड ठीक है हम एमनटिक फ्लूड जो है फिटस में फिटस के आराउंड होता है उससे इंजेक्शन थ्रू वो निकालते हैं और उसके जो सेल्स होती है वो स्टडी करते हैं और उसी के हिसाब से जो एम्ब्रियो में जो बड़ा होकर देखिए बर्थ के बाद अगर उसमें कुछ जेनेटिक डिस होने की संभावना है कि नहीं वो हम उससे पता लगाते हैं द टैक्निज स टैक्जोम क्या होता है टैक्जोनिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग ठीक है डी ऑप्शन

ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर प्रिस्क्राइब्ड इन फीमेल्स टू चेक यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे बच्चो आप ठीक है आप यहाँ पे फर्टिलाइजर लीक दोगे लेकिन इसका आंसर आता है ओल्यूशन तो ठीक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिवस का में देखा जाए तो दो हार्मोन का यह कॉम्बिनेशन होता है ठीक है मोस्टली क्या होता है इसमें प्रोजेस्टेरन होता है ठीक है और इस्ट्रोजन होता है ठीक है और ये जो क्या करते हैं मेन्स्ट्रोल साइकिल जो है रेगुलेट करने का काम करते हैं ये दोनों हार्मोन हमें मालूम है और प्रॉपर अमाउंट में देखा जाए तो ओल्यूशन हुआ क्या नहीं ये चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है क्लोइका इन इज अ कॉमन चेम्बर फॉर द यूरि ट्रैक्ट रिपोब एंड एलिमेंट्री कैनाल ठीक है तीनों का एक ही सिमिलर जो है इसमें जो है मोस्टली पाया जाता है एट वॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू सी थ्री प्लांट से होते हैं नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड से वो दिखाते हैं अबाउट थ्री सिक्सटी माइक्रो पर लेटर ठीक है थ्री सिक्सटी पे दिखाते हैं लेकिन सी थ्री का जो है कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका जो सेचुरेशन लिमिट है वो होता है अराउंड फोर फिफ्टी तो इसलिए इसका आंसर आता है ए ऑप्शन द रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग इन ह्यूमन इज प्रिवेंटेड बाई यूजिंग साइक्लोस्पोरिन ठीक है साइक्लोस्पोरिन क्या होता है इसे यूज किया जाता है एज इम्यूनो सप्रेसेंट ठीक है इम्यूनो सप्रेसेंट एज ए यूज किया जाता है ठीक है ये किससे डिराइव किया जाता है ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मापोलिस्पोरम नाम के फंगाइस से डिराइव किया जाता है और ये क्या करता है टी हेल्पर सेल जो होती है उसकी जो एक्टिविटी है उस, उसको उसको इनिबिट करने का काम करता है इसलिए जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आती है तो इम्यूनिटी हमारी क्या होती है एक्टिवेट होती है उसे सप्रेस करने का काम जो कौन करता है साइक्लोस्पोरिन करता है कंसिडर द फॉलोइंग द फॉर द सोल्यूशन एट एटमोस्फरिक प्रेशर डब्ल्यू साय डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस ठीक है मतलब वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यड पोटेंशियल दैन वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल इज अफेक्टेड बाई सोल्यूड पोटेंशियल ओनली दैन प्रेशर पोटेंशियल इज यूजली पॉजिटिव इन साइलम ड्यूरिंग डे सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो गाइज यहाँ पे देखोगे आप तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है मोस्टली जो है करेक्ट लग रहा है ठीक है एटमोस्पेरिक प्रेशर को देखा जाए तो प्रेशर पोटेंशियल जो होता है मोस्टली जीरो होता है तो इसी की वजह से हम वाटर पोटेंशियल कैसे मजे करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल तो प्रेशर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल जीरो होगा तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू तो हमेशा क्या होगा सोल्यूट पोटेंशियल ठीक है और यहाँ पे हमने अभी बोला कि वाटर पोटेंशियल ये तीन चीज़ों से अफेक्ट होता है देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल और फिर सोलिड पोटेंशियल तो इसलिए सेकंड जो है गलत है ठीक है और प्रेशर पोटेंशियल इज यूजली पॉजिटिव इन झाइलम ड्यूरिंग डे सो ड्यूरिंग डे जो होता है वाटर लॉस होता है प्लांट में से ठीक है अगर वॉटर अगर बाहर जा रहा है तो प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा नेगेटिव होगा तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ओनली फर्स्ट इज करेक्ट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैमिट्स कैन बी फॉर्म बाय एफ प्रोजेन इन रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस सो so गाइज यहाँ पे हमें दिया गया है ट्राई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ठीक है दोनों जो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दिए गए हैं इसकी एफन प्रोजिन हमें बताई गई है सो so गाइज इसके लिए एक बहुत ही सिंपल जो है फॉर्मूला है ठीक है अगर हमेशा हमें नंबर ऑफ गैमेट्स का निकालने हैं तो उसके लिए क्या करना है टू रेस्ट टू यन जो है ये फॉर्मूला अपनाना है और यन क्या होगा इट्स अ नंबर ऑफ हिट्रोजिनस ठीक है हेट्रोजिनस जो जीन्स दिए गए उसका नंबर होगा ठीक है तो यहाँ पे जो है

देन इंटरफेरेंट एंड इन्जैम डेट इंटरफेस विद डीएनए एन ये है ये जो है गलत बात है ठीक है एंटर इंटरफेरेंस क्या होता है एंटीवायरल प्रोटीन्स होती है गैस ठीक है जो कि रिकॉमिनेट डीएनए एन टेक्नोलॉजी में मोस्टली प्रिपेयर किए जाते हैं ठीक है बाय ओके इन ईक्कोलाई बैक्टीरिया ठीक है जो कि हमें मोस्टली डिफरेंट फंक्शन करने में हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई दूवेंट डायग्राम। सो यहाँ पे आप देखोगे टर्मिनल जो है ग्रोथ जो है टर्मिनल जो एंड पे जो है फ्लावर आ चुका है जब भी टर्मिनल एंड पे फ्लावर आता है उसे हम कौन सा इन्फ्लोरसेंस कहते हैं साइमोज ठीक है बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने जो है मेरे क्विक रिविजन सीरीज में ये बताया है अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जो है मैंने दी हुई है ब्लास्टूला लैक्स सो गाइज ब्लास्टूला जो है उसे लैक उसमें क्या लैक होता है दैट इज ब्लास्टोमर जो है मोस्टली प्रेजेंट होते हैं उसमें ब्लास्टोडर्म भी होता है ब्लास्टो सिल भी होता है कैविटी ठीक है ब्लास्टोडम मतलब उसके अराउंड जो स्ट्रक्चर ब्लास्टोमस मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर जो डिवीजन uh, से फॉर्म हुए हैं लेकिन ब्लास्टोपोर जो है मोस्टली किस में होता है गाइज ये गाइस्टूला में होता है ठीक है ब्लास्टोपोर और वो में ओपन होता है ये जो ओपन होता है ना आर्केंटेरॉन में जो है इसका ओपन होने का फॉर्म काम करता है ठीक है ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन द क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ सो की जो क्रैनियल कैपेसिटी थी, थी वो अराउंड थी नाइन हंड्रेड सीसी द एजिंग ऑफ लिवस द एजिंग ऑफ लिवस इज कॉल्ड एज एस्टिनेशन ठीक है ओल्ड एज जिसे हम कहते हैं देन वीच वन ऑफ द फॉलिंग हार्मोन इज रिप्रेजेंट ऑफ हार्मोन ऑक्शन शोन इन द फिगर ठीक है तो यहाँ पे दिखाया गया है एक हार्मोन आया है जो रिसेप्टर सेल पे जो क्या कर रहा है इंड्यूस कर रहा है और उसी के वजह सेल के अंदर क्या हो रहे है डिफरेंट रिस्पॉन्स हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो है सेकेंडरी मैसेजर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं सो गाइज ये जो मोस्टली होता है इन पेप्टाइड पेप्टाइड हार्मोन का जो है ये मैकेनिज्म है सेकेंडरी मैसेन्जर प्रोड्यूस करना ठीक है और यहाँ पे जो पेप्टाइड हार्मोन है वो कौन सा है उटोर ठीक है, है, है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है सो so, यहाँ पे जो है इट इज अटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगा एंड रूट ऑफ हायर प्लांट ये जो है सही बात है देन प्लाइनस सीड्स कैनॉट जर्मिनेट इन देर अबसे ये भी जो है Uh, सही बात है ठीक है अगर पाइनस के अराउंड क्या करते हैं ये जो है ऑब्जॉर्बेशन का, का काम करते हैं गाइस ठीक है uh, मोस्टली पाइनस जो है सलाइन एरियाज में आता है ठीक है सेलनेटी एरियाज में आता है तो सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है और ये क्या करते हैं फिर फॉस्फरस जो है ऑब्जॉर्ब करने का काम का करते हैं थ्रू द सॉयल और वो क्या करते हैं रेजिस्टेंट करता है डिफरेंट डिसीजेस ठीक है तो हेल्प करता है पाइनस को ग्रो करने में इसलिए इसका मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट आता है ऑप्शन सिस्टम क्या करती है इट रिलीज इम्पल सी एन एस टू स्केलेटल मसल्स ठीक है तो ए आता है सोमेटिक ठीक है बी आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है वो ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सी एन एस टू इनवॉल्ट्री ऑर्गन्स ठीक है एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी और फिर जो ऑटोनोमस है वो मोस्टली किसमें

The pollen grains lose their viability in in 30 minutes in. so ऑप्शन आता है ड्राइज जैसी वैरायटी है ठीक है मोस्टली जो है, uh, है, uh, में जो है, जो है uh, इसके जो वायबिलिटी होती है मोस्टली थर्टी मिनट्स की ही होती है ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइकोम सो गाइज फाइकोमसेट्स द माइसिलियम इज अक्टेड एंड कोइनोसेटिक जी हाँ ये सही है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट ये भी सही है राइजोपोस एंड अलबोबो आर एग्जांपल्स ऑफ देम सो गाइस देखो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी ऐसा ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आते हैं तो सेवेंटी टू एटी परसेंट जो आंसर होता है इसका ऑल ऑफ दिस होता है द न्यूक्लियर मेमर डिसपियर्स इन सो गाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसपेयर होती है ना लेट प्रोफेस ठीक है अर्ली प्रोफेस में क्या होता है क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है कंडेस होने का फॉर्म होता है ठीक है कंडेस होना फॉर्म होता है विच वन ऑफ द इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ रेन इन अल्डोस्टेरॉन अल्डोस्टेर सिस्टम सो गाइज इसका जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है वो है जस्ट्रा ग्रोमिलर एपरेटस ठीक है जो कि क्या करता है मोस्टली जब भी जी एफ आर जो है उसका फ्लो जो है कम हो जाता है तो ये क्या करता है इन सेल्स को जो है जी, जी जी सेल्स को जो है एक्टिवेट करता है वो क्या करते हैं वो फिर रेनिन इन सिगरेट करते हैं जो कि ब्लड में जो एनजियोटेंसिन जो प्रेजेंट है उसे एनजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करने का काम करता है और फिर एनजियोटेंसिन वन जो है एनजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसके वजह से क्या होता है यहाँ पे जो है अल्डोस्टेर uh, जो uh, क्या सिगरेट करता है अल्डोस्टेर जो है सिगरेट हो जाता है और जो क्या करता है री ऑब्जॉर्बेशन ऑफ सोडियम आयंस करता है और उसी की वजह से क्या होता है वाटर क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है और फिर जी जो है नॉर्मल हो जाता है द मेकेनिज्म यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू डिस्क्राइब द ट्रांस लोकेशन ऑफ शुगर्स फ्रॉम द सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड एस जो यहाँ पे जो जो है मोस्टली किसने डिस्कवर किया था मंच ने कहा गया है ठीक ठीक है है मंच मंच ने डिस्क्राइब किया गया उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस और ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लू होता है वो कैसे होता है अलॉन्ग द टर्जर ग्रेडियंट ठीक है टर्जर प्रेशर के कारण होता है मतलब फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ठीक है तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी द क्लास ऑफ इंजाइन दैट कैटेलाइज द रिएक्शन इज एस जी प्लस एस ग्यूज एस एस प्लस जी यहाँ पे जो क्या हो रहा है जी yes, और G में जो होता है ट्रांसफर हो रहा है ठीक है ट्रांसफर जो होता है जो इंसान ट्रांसफर करता है ऐसा उसे हम क्या कहते हैं ट्रांसफर कहते हैं हाइपर सेंटिटिव टूवर्ड्स एनी फॉरन मटेरियल ड्यू टू एंटीबॉडी आई जी ई ठीक है जब भी हमें हाइपर सेंटिटिव एलर्जी से हाइपर सेंटिटिव हो तब हमें आई जी जो एंटीबॉडीज है वो बढ़ जाती है ठीक है और इम्यून रिस्पॉन्स जो है जनरेट करने का काम करती है then match the following respective volumes in a column 1 सो गाइज यहाँ पे आप देखो एक कॉलम दिया गया है सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम सो गाइज टाइडल वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ अ नॉर्मल ब्रीथ मतलब एक नॉर्मल ब्रीथ में हम कितना एयर अंदर लेते हैं और बाहर डालते हैं उसका जो होता है वो उस होता है टाइडल वॉल्यूम होता है ठीक है जो कि अराउंड होता है फाइव हंड्रेड एम एल तो यहाँ पे फाइव हंड्रेड एम एल कहाँ पर दिया गया है ए का थ्री ए का थ्री किस में दिया गया है पहले तीन ऑप्शन में तो डी जो है एलिमिनेट हो जाता है फिर दिया गया है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सो रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि आ, हम जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम फोर्स इनहलेशन से मतलब जानबूझ के हम फोर्स इन्हेलेशन जब लेते हैं वो अंदर जो लिए जाते हैं ठीक है बियॉन्ड टाइटल वॉल्यूम जो है फिर उसके बाद जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं इंस्पायरटरी रिजर्व वॉल्यूम और वो जो होता है मोस्टली होता है वो होता है अराउंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड एमएल ठीक है तो बी का आता है वन ठीक है ये किस में दिया गया है बी और सी में तो ये यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है फिर दिया गया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि हम फोर्सफुली जो है अमाउंट ऑफ एयर कितनी एक्सपायर कर सकते हैं ठीक है टाइडल एक्सपायरेशन के बाद एक नॉर्मल ब्रिथ के बाद तो ये मोस्टली होता है अराउंड थाउजेंड टू हंड्रेड एम एल सो गाइज ये किस में दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है तो सी का टू किस में दिया गया है वो मोस्टली दिया गया है इन बी ऑप्शन तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल ठीक है ऑलवेज दो इंडिविजुअल की जरूरत नहीं पड़ती तो अर्थवर्म में कैसे होता है रिप्रोडक्शन हार्मोफोड है ठीक है मेल और फीमेल ऑर्गन जो है एक ही इसमें होते हैं तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ये जो है करेक्ट है देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन गैमेट ऑफ फ्यूजन होता है ठीक है मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलते हैं तो सेकंड जो है वे भी करेक्ट है

तो so, इसे कहा जाता है मोस्टली हब जो है ठीक है प्रोटीनियो प्रो, प्रोक्सिमल रीजन के जो सेंट्रल का पार्ट है उसे कहा जाता है हब जो कि प्रोटीनियस होता है जो कि कनेक्ट होता है ट्यूब्यूल से ठीक है और वो भी जो है मोस्टली क्या फॉर्म करता है रेडियल स्पोक जो है ये फॉर्म करने का काम फॉर्म करता है ठीक है तो ये जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है थोड़ा सा ठीक है तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी ऑप्शन गिब्रिलिन वॉज फर्स्ट एक्सटेटेड फ्रॉम सो गाइज गिब्रिल जो है फर्स्ट एक्सटेटेड फ्रॉम द राइस राइस प्लांट से लिया गया था फ्रॉम जब वो सफर कर रहे थे ऑप्शन इन द रिन्यूब्यूलैबिलिटी ऑफ द डिस्टिल क्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डू वॉटर इज कंट्रोल्ड बाय सो गाइज परमेबिलिटी ऑफ डी सी टी एंड सिटी जो है कंट्रोल कौन करता है एडीएच हॉर्मोन ठीक है जो की कौन करता है एंटीरियर लोबा जो है सिगरेट करने का काम करती है टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए प्रोड्यूस सो गाइस डोबेटो टोबैको प्लांट जो है निमेटोर जो है मोस्टली उसको रेजिस्टेंट होता है ठीक है ये जो निमेटोड है मोस्टली क्या करता है ये प्लांट को हार्म करने का प्लान करता है ठीक है हा ट्राई करता है लेकिन हम जो क्या करते हैं एग्रोमैक्टेरियम जो है वेक्टर यूज करते हैं ठीक है थीके? और निमेट्रोड स्पेसिफिक जीन जो है मोस्टली होस्ट प्लांट में जो हम इंड्यूस करने का काम करते हैं हर जब हम इसे इंड्यूस करते हैं तो बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आर जो है इसमें जो है प्रिपेयर हो जाते हैं ठीक है थीके? और उसी वजह से क्या होता है डबल स्टैंडर्ड आर जो है इसमें फॉर्म हो जाता है और जो कि क्या करता है फिर आर जो है इनिशिएट करने का काम करता है जो कि क्या करता है फिर एम के जो आ, कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं एम आर निमेटोड का एम आर होता है उसे जो है इनएक्टिव करने का ठीक है प्रोसेस का जो है ये काम करता है तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है डी ऑप्शन हाइट्रेडिक फोर्स ऑफ जाइलम फॉर वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम एज सो so गाइज उसे हम कहते हैं अधेजन वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं अधेजन ठीक है मोस्टली वॉल्स ऑफ एंड ऑफ जाइलम में जो है मोस्टली वो किससे फॉर्म होती है लिग्निन एंड ठीक है और इन दोनों को क्या है दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर ठीक है और वाटर के और दूसरे बीच में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं एधेजन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं फोर्सेस और सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं कोहेजिव फोर्सेस ए बी ओ ब्लड ग्रुप ज अ ड्यू टू मल्टीपल एलेलिज्मीक है आई ए होता है आई बी होता है आईओ होता है यह तीन जो है एलेलि फॉर्म होते हैं इसमें ऑफ मल्टीपल एलियिज्म द मेरी मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट ऑफ मीनी प्लांट्सरलीस डेट प्रोड्यूस एक्सिस आंसर आता है सेकेंडरी मेरी स्टेम ठीक है मैच्योर रीजन ऑफ द शूट एंड रूट ठीक है और वो क्या करता है बाद में मैच्योर होने के बाद क्या होता है फॉर्म करता है उससे हम क्या कहते हैं सेकेंडरी मेरी स्टेम The certain group of cells utilize amino acids glycine exclusively for protein synthesis and if the growing culture of these cells is fed radioactive glycine, the radioactive will found first in the. So guys जबी भी यहाँ पे जो है protein synthesis होता है तो सबसे पहले जो है वो किससे attach होता है amino acids से यहाँ पे tRNA से तो सबसे पहले radioactive glycine किसमें मिलेगा tRNA में इकोलॉजिकल सक्सेशन so यहाँ पे जो इकोलॉजिकल सेक्शन होता है वो मोस्टली कैसा होता है ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल ठीक है जो सारे जो चेंजेस होते हैं स्पेसिस में ठीक है टील टील क्लाइमैक्स स्टेज ठीक है वो जो है सारे कैसे होते हैं एकदम ग्रेजुअल होते हैं ठीक है पीरियडिक होते हैं ठीक है और एकदम प्रेडिक्टेबल होते हैं हमें मालूम होता है कि दूसरा जो चेंज होने वाला है इसमें क्या होने वाला है जिमी आर दिजिटिव रिपोर्ट फाउंड इन ब्रायोफाइड स्टेट फॉरवर्ड एम्स्यू रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑर दिन गलत कौन सा पूछा गया है जी ए टी टी सी सीजेशन ऑफ इकोरा ठीक है हम देखते हैं आगे हेग्रोबैक्टीरियम है ट्यूमिफेन्स इज यूज फॉर क्लिनिंग जींस इन प्लांट्स ये सही है ठीक है देन इन रिस्ट्रिक्शन इंजाइम इको आ रहा है को स्टैंड फॉर को इंजैम सो गाइज ये जो है गलत है रिस्ट्रिक्शन इंजैम के नेम कैसे रखे जाते हैं आफ्टर ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं ठीक है ठीके? जब यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आ रहा है इसका नाम कैसे रखा गया है इको मतलब क्या ठीक है और क्या है आर जो है इसकी स्ट्रेन है और ये फर्स्ट इंडोन्यूक्लियस जो है डिस्कवर किया गया था इसलिए यहाँ पे आई जो है लगाया गया है ठीक है तो इसलिए ये के लिए स्टैंड नहीं करता है विच एनिमल एंड फाइलम रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर देखोगे आप यहाँ पे तो आप यहाँ पे इस फिगर को देख के शायद आप लिख दोगे लेकिन आप यहां पे देखना चाहोगेटा तो दिव, का ये है, लेकिन यहाँ पे हमें फाइलम पूछा गया है तो इसलिए इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन दट इज कॉर्डेटा विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी जो है मोस्टली वीट की जो हिमगिरी वैरायटी है उसमें पाया जाता है ठीक है और ये जो है लीफ का जो स्टाइप का जो रस है एंड हिलबन के है इसके आगे क्या होता है ये रेजिस्टेंट होता है एट प्यूबर्टी ओनली सिक्सटी थाउजेंड टू एटी थाउजेंड प्राइमरी फॉलिकल्स रेमेन ठीक है पहले जो होते हैं वो मिलियन में होते हैं लेकिन प्यूबर्टी तक जो है ये डिजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ सिक्सटी थाउजेंड टू एटी थाउजेंड जो है बच जाते हैं इन फीमेल ओवरी वाटर पोटेंशियल इज एक्टिवली सेल सो वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्टिवली सेल होता है हमेशा निगेटिव देखो यहाँ पे बेसिक चीज आपको समझनी होगी वाटर पोटेंशियल क्या होता है इट इज एन टेंडेंसी ऑफ वाटर थ्रू लीव सिस्टम सिस्टम छोड़ने की टेंडेंसी होती है ठीक है जितना वो छोड़ेगा उतना पॉजिटिव होगा लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है वाटर जो है अंदर आ रहा है तो क्या होगा हमेशा निगेटिव होगा ठीक है और नॉर्मल वाटर का जीरो होता है आपको तो मालूम है एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड एज इसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ठीक है कंज्यूम जो कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है ठीक है सेकेंडरी लेवल पे ठीक है तो जो केमिकल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली इनटू बॉडी वॉश जो कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देन लास्ट सवाल आज का सेलेक्ट इनकरेक्टली मैच पेयर फिगवास म्यूटेलिज्म हेज प्लांट इसमें क्या होता है पैरासिटिज्म होता है ठीक है कस्क्यूटा क्या है इस्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इसलिए इसका आंसर आता है बी ऑप्शन सो गाइज आज का जो ये टेस्ट है हमने सॉल्व कर लिया है होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करो यार बहुत मेहनत लगती है लाइव सॉल्व करने में गलती होने की बहुत संभावनाएं है होती हैं लेकिन फिर भी ये रिस्क लेके मैं आपके लिए ये टेस्ट जो है लाइव सॉल्व कर रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यहाँ पे टेस्ट जो है मैं सबमिट करने जा रहा हूँ सो गाइज इसी के साथ साथ जो है हमारी क्विक रिविजन सीरीज जो है वो भी चालू है हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी लिंक मैंने नीचे दी गई है ठीक है और इसी के साथ साथ हम वेरी इम्पोर्टेंट एम सी सीरीज भी हम देख रहे हैं उसकी लिंक भी जो है मैंने नीचे दी गई है वो भी आप जरूर देख लीजिएगा ठीक है और हमारे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे चैनल भी है ठीक है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं आपको जो नीट और एम एस के अपडेट जो है वो हम देते रहते हैं तो वो भी आप फॉलो करना ना भूलें इसके अलावा इसके अलावा हमारे मेरा एक एंटरटेनमेंट का चैनल है जहाँ पर मैं आपको इंटरटेन करता रहता हूँ इकट्टा उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी गई है वो भी आप फॉल सब्सक्राइब करना जरूर ना भूले तो यहाँ पे जो है सिंक हो रहा है और हमारा स्कोर जो है मोस्टली यहाँ पे जो है आने वाला है सो so, ये थोड़ा सा टाइम लेता है गैस ठीक है गैस सिंक होने में और नेटवर्क के कनेक्शन पर जो है मोस्टली ये डिपेंड होता है सो so, यहाँ पे हमारा स्कोर जो है मोस्टली जो है आ गया है ठीक है सो so, होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी सो so, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय